नीमच यातायात पुलिस ने मंगलवार को यातायात सप्ताह के दूसरे दिन शहर के कलेक्टर चौराहे के समीप शनि मंदिर के यहां पर स्थानीय विजेटर के चौराहे पर 17 नाबालिगों को यातायात की दो अलग अलग टीमों ने रोककर नाबालिगों के परिजनों को बुलाकर नाबालिगों से वाहन न चलाने की समझाइश दी। 29वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात सप्ताह का आरंभ सोमवार से हुआ और मंगलवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात सप्ताह का दूसरा दिन था और यातायात सप्ताह सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आधारित है, जिसके तहत सप्ताह के दूसरे दिन नीमच यातायात पुलिस ने दो टीम बनाकर नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। कलेक्टर कार्यालय के समीप स्थित शनि मंदिर के यहाँ यातायात प्रभारी राम सिंह राठौर व स्थानीय विजय टोकी चौराहे पर सूबेदार सोनू वाजपेयी ने अपनी अपनी टीम के साथ 17 नाबालिग स्कूली छात्र छात्राओं को रोककर बच्चों के परिजनों को बुलवाकर समझाइश दी गई कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के हाथ में वाहन नहीं दें। इस कार्रवाई में अशोक मोड़, गोपाल सिंह जादौन, फिरोज खान व दिनेश कर्णिक की भी भूमिका रही।